हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशा। निशा की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं अपने रसोई में बना रही हूँ बिल्कुल हलवाई स्टाइल आलू गोभी की सब्जी, जो सबको बहुत पसंद आती है। ये हम सूखी सब्जी बनाएंगे बिल्कुल हलवाई की तरीके से। मैं उन्हीं का ट्रिक अपनाऊंगी और उन्हीं के ट्रिक से मैं ये सब्जी को बनाऊंगी। आप देखिएगा, ये सब्जी बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनेगी और ट्राई जरूर करिएगा, और स्वाद बिल्कुल जैसे हलवाई की सब्जी बनती है उस तरह ही आएगा। आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये हमने एक फूल गोभी को अच्छे से कट करके धुल कर रखा है। ये हमने चार आलू, उसे भी लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लिए हैं। आपकी मर्जी, आप जिसके गोल स्लाइस में भी कर सकते हो, मगर हलवाई इस तरह ही रखते हैं तो हमने इसी तरह कट किया है। और इसके इंग्रेडिएंट्स, ये हमने तीन टमाटर को चॉप कर लिया है। ये हमने छः सात लहसुन की कलियों को बारीक कट कर लिया है। ये चार हरी मिर्च है, इसे हमने कट कर लिया है। ये हमने 1 इंच अदरक के टुकड़े को घिस लिया है। ये दो प्याज हमने इसको बारीक कट कर लिया है। और इसके मसाले ये हैं, ये है धनिया पाउडर आधा चम्मच, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, एक तेज पत्ता पाउडर है, तेज पत्ता है, काला नमक है। काला नमक का स्वाद हलवाई की सब्जियों में बहुत अच्छा आता है, वो काला नमक जरूर यूज़ करते हैं। आपके पास है तो आप यूज़ करिएगा। ये हमने हींग लिया है 1 पिंच, ये हमने खटाई ली है 1 चम्मच। खटाई का स्वाद भी हलवाइयों की सब्जियों में बहुत अच्छा आता है। और ये हमने हल्दी लिया है 1/2 चम्मच। ये हमने कस्तूरी मेथी ली है। ये हमने किचन किंग मसाला लिया है, ये गरम मसाला लिया है 1/2 चम्मच। अगर आपके पास किचन किंग मसाला नहीं है तो आप 1 चम्मच गरम मसाला ले लीजिएगा। इधर हमने ऑयल को गरम होने के लिए रख दिया है। ये हम सरसों के तेल में बना रहे हैं, और हलवाई सरसों के तेल नहीं, वो रिफाइंड यूज़ करते हैं, मगर हम घर पे बना रहे हैं तो हम सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं। हमारा तेल गर्म हो चुका है, हम ज़्यादा तेल में इसे नहीं बनाएंगे। हलवाई तो इन्हें डीप फ्राई करते हैं फिर निकालते हैं, उनका ये वो तेल यूज़ आ जाता है। हमारे यहाँ हम इतने ही तेल में इसको बना के दिखाएंगे, बिल्कुल उसी तरह ये सब्जी बनेगी। अब इसमें हम गोभी को अच्छी ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। इसे अच्छा ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे, इसमें सुनहरा कलर आ जाए गोभियों में। इसे फ्राई होने में 2 से 3 मिनट लगेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी गोभी बिल्कुल फ्राई हो गई है, इस पर सुनहरा कलर आ गया है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे, बस इसी तरह कलर होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसकी सब्जी बनाते हैं छौंक लगाते हैं तो इसलिए नहीं पकना है इतनी देर। इसी टाइम ये तेल में अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी और पूरी तरह से ये पक चुकी है। हलवाई तो ज़्यादा तेल में बनाते हैं, मगर हम घर पर बना रहे हैं तो इतना ज़्यादा तेल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि तेल हमें हमारी हेल्थ के लिए नुकसान करता है। फ्रेंड्स, अब हमारी गोभी भी फ्राई हो चुकी है। अब इसी जगह पे हम इसी तेल में अपने आलू को भी डालकर अच्छा सा ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। इससे हमारे आलू बिल्कुल क्रिस्पी और सॉफ्ट हो जाएंगे, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट रहेंगे। बिल्कुल ब्राउन कलर आना चाहिए, हमें इस तरह आलू को फ्राई करना है। इसमें भी हमें 3 से 4 मिनट लग जाएंगे आलू को फ्राई होते हुए। तेज आंच में हमें इसे फ्राई करना है, ज़्यादा तेज आंच नहीं, थोड़ा मीडियम आंच रहेगा हमें, ना लो ना तेज, मीडियम आंच में हमें आलू को अच्छा ब्राउन होने तक फ्राई करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे आलू बिल्कुल फ्राई हो गए हैं गोल्डन कलर के, जैसे कि हलवाई ज़्यादा तेल में फ्राई करते हैं। हमने थोड़े ही से तेल में से अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अब इसे हम निकाल लेंगे, और जो हमारी कढ़ाई में एक्स्ट्रा तेल है हम उसे भी निकाल देंगे। हम इतने तेल में इस सब्जी को नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारी सब्जी सारी फ्राई हो चुकी है तो इतना तेल नहीं लगेगा, ये हमारी हेल्थ के लिए भी नुकसान वाला है। इससे में हम
थोड़ा तेल निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने इसमें से इतना तेल निकाल लिया है, 2 चम्मच तेल हमने इसमें से निकाल लिया है और 2 चम्मच तेल हम इसमें छोड़ दिए हैं। अब इसी में हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे जिससे हम तड़का लगाएंगे। अपने जीरे को हम अच्छे से तड़कने देते हैं, गोल्डन ब्राउन हो जाए। देखिए हमारे जीरा ब्राउन हो गए हैं। अब इसी जगह पे हम लहसुन और हरी मिर्च जो हमने बारीक कट कर ली है उसे भी डाल देंगे। उसे भी हल्का हल्का भूनेंगे, हमें लाल नहीं करना है, हमें हल्का सा बस उसका टेस्ट चेंज हो जाए लहसुन का, बस इतना ही भूनना है उसे। अब इसी जगह पे हम अपनी प्याज ऐड कर देंगे। आप चाहो, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप हरी मिर्च, लहसुन, प्याज और अदरक को एक साथ ही डालकर भून सकते हो। प्याज भी हम गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, तो हल्का गुलाबी कलर आ जाए, हल्का सा पिंक कलर, इतना ही इसमें हमें तेल में भूनना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी प्याज ट्रांसपेरेंट कलर की हो गई है, बिल्कुल पिंक कलर की, हल्की हल्की। अब इसी जगह हम इसमें अदरक ऐड कर देंगे जो हमने कद्दूकस किया था, 1 इंच। अब इसे भी हम, इसका बस टेस्ट चेंज हो जाए कि अदरक का कच्चापन निकल जाए, इतना बस हमें भूनना है, इसे लाल नहीं करना है। हम अपने फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, हमारा गैस का फ्लेम लो है। अब इसी जगह पे हम एक तेज पत्ता ऐड कर देते हैं और जो हमने ड्राई मसाले लिए थे, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, काला नमक, हींग और आमचूर पाउडर, ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे और गरम मसाला और किचन किंग मसाला और जो रेगुलर नमक है वो भी, और हम कस्तूरी मेथी को रोस्ट कर लिए हैं ये भी हम सब साथ में ऐड कर देंगे। अगर आपके पास किचन किंग मसाला नहीं है तो आप इसमें चिकन मसाला या फिर सिर्फ गरम मसाला ही रहने दीजिए, उससे भी सब्जी बिल्कुल हलवाई तरीके से बनेगी और उतनी ही टेस्टी बनेगी। अब इसी जगह पे हम इसमें टमाटर ऐड कर लेते हैं, जो हमने 3 टमाटर को बारीक कट किया था उसे हम ऐड कर लेंगे। अपने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा, नहीं तो मसाला जल जाएंगे सारे। फ्रेंड, इसी जगह पे हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे जिससे कि हमारे मसाले अच्छे से एक साथ मिक्स होकर अच्छे से पक जाएं और हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि हमने नमक साथ में ही ऐड किया है तो टमाटर अच्छे से इसमें सॉफ्ट हो जाएंगे और इस सब्जी में टमाटर पके हुए ही लीजिएगा जो इसमें बहुत अच्छे से घुल जाए, मिक्स हो जाए। अगर आपको टमाटर खड़े अच्छे नहीं लगते हैं तो यहाँ पे इसको मिक्सर में पीस कर या बिल्कुल महीन चॉप कर कर ही डालिए जो मसालों में अच्छे से गल जाए। अब इसे ढककर हम 3 से 4 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे। फ्रेंड्स, अब हमारा मसाला भुन गया होगा, अब इसे हम दिखाते हैं। देखिए हमारा मसाला कितना अच्छी तरह से ये भुन गया है, बिल्कुल लो आंच पे इसे भूनना है, हमें इसे भूनने में 6 मिनट लगे हैं। अब इसी जगह हम इसमें 2 चम्मच करीब हरी मटर है उसे ऐड कर देंगे। अगर आपके पास है तो ऐड करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ये फ्रीजर मटर है इसे हम ऐड कर दिए, इससे कलर थोड़ा सा देखने में सब्जी का अच्छा सा आएगा। अब इसी जगह पे हम अपने आलू और गोभी को ऐड कर देंगे।
उन्हें अच्छे से हम मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए हमने मसालों के साथ अपने आलू गोभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम ढक कर बिल्कुल स्लो आंच पर 5 से 6 मिनट तक बस पकाएंगे। बिल्कुल लो करनी है अपनी गैस की फ्लेम और इसे 5 मिनट बस पकाएंगे कि मसालों के साथ गोभी अच्छे और से मिक्स हो जाए आलू गोभी, फिर हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। फ्रेंड्स अब हमारे 5 मिनट कंप्लीट हो गए हैं, अब हमारी आलू गोभी की सब्जी बिल्कुल रेडी हो गई है। आपको हम दिखाते हैं ये किस तरह से। देखिए फ्रेंड ये हमारी आलू गोभी की सब्जी बिल्कुल रेडी है हलवाई स्टाइल में। ये कितने कम ऑयल में कितने अच्छे से ये रेडी हो गई है देखिए। और इसमें हम धनिया पत्ता डाल देते हैं। अब इसे अच्छे से हम मिक्स करके एक बाउल में आपको सर्व करके दिखाते हैं। कितना प्यारा कलर आया है, कितनी प्यारी सब्जी ये लग रही है देखने में। फ्रेंड्स इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बिल्कुल लाजवाब सब्जी ये बनी है। देखिए फ्रेंड्स ये हमारी आलू गोभी की सब्जी बिल्कुल रेडी है और ये कितनी अच्छी लग रही है। बिल्कुल है ना ये हलवाई स्टाइल, देखने में बिल्कुल हलवाई की जैसे ही लग रही है, जैसे हलवाई शादी पार्टी में बनाते हैं बिल्कुल वैसी ये सब्जी लग रही है। और ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगी, अगर आप एक बार बनाओगे ना फिर दोबारा बार बार आप अपने घर पे बना के ज़रूर खाओगे। ये सब्जी इतनी टेस्टी और इतनी लाजवाब होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें। अगर हमारी वीडियो में कोई कमी है फ्रेंड्स तो वो भी हमें बताएं और ये सब्जी आपको कैसी लगी वो भी हमें कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।